दोस्तों, नई उम्मीद नए विश्वास के साथ मैं मंजू तिवारी न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर देना। जो भी भाई बहन चैनल पर न्यू आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो फर्स्ट बार मेरे हिसाब से मैं चश्मा लगा के आप लोगों से मुलाकात कर रही हूँ। प्लीज़ बताइएगा जरूर कैसा लगता है। वैसे चश्मा मतलब मिला हुआ है, डॉक्टर ने दिया है, पर मुझे अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन कुछ काम करते समय लगाना ज़रूरी हो जाता है। सो गीत सुनने के लिए हमारे फर्स्ट चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। आप इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर अच्छे ब्लॉग अच्छी जानकारी के लिए आप आ सकते हैं, सब कुछ आपको मिलेगा। जो भी आपकी रिक्वेस्ट है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं या पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप सबको सिंपल तरीका पेटीकोट बनाने का बताऊँगी, यानी साया बोलते हैं हिंदी लैंग्वेज में, पेटीकोट बोलते हैं हिंदी लैंग्वेज में और पेटीकोट बोलते हैं। तो देखिए, जिनका मतलब शरीर बहुत ही हैवी होता है उनके लिए जो है कलीदार या तो छः कली का हो, लेकिन कली नहीं, मेरे हिसाब से सादा पेटीकोट सही रहता है, जो कि मैं आज आप सबको बताऊंगी हमारी सासू अम्मा कैसा पहनती हैं। और बहुत ही सही रहता है, फटता भी नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं होती, बनाने में भी आसान तरीका रहता है। तो आपको कैसे क्या करना है सारा सब कुछ मैं भी इस वीडियो में बताऊँगी। तो प्लीज़ यह तरीका ज़रूर ट्राई करिएगा अगर आपके घर में या फैमिली में कोई ऐसे हैं जो है, तो उनके लिए। बाकी का तो कलीदार सादा साया ये सब मैं सब मुझे आता है, ब्लाउज ही बनाते हैं, सारा सब कुछ करते हैं। तो हमारी अम्मा ऐसे ही पहनती हैं। गांव की एक हमारी सास लगती हूँ, उन्हें आई तो बोली कि दुल्हन फट जाता है पेटीकोट, ऐसे तरीके से बना के दर्जी से मंगवाते हैं। तो हम कहे अम्मा जैसा मेरा तरीका ये वाला तरीका आप बनवा लीजिए। तो बोली अब तो जब मिलती हैं तो बोलती हैं कि आपका ही सही है, इसी तरीके से बनाए तो सही रहता है। जिनका ये चीज़ कमर चौड़ी होती है उनको ना तो इंची टेप लिया है और ना ही कोई इंची टेप लिया है, ना कोई दूसरा सामान लिया, सिर्फ कैंची है ना चौक लिया है। ऐसे ही बताएंगे आपको साया कैसे बनता है यानी पेटीकोट। और बगैर मतलब मैं तो नाप के ही बना देती हूँ, देख के ही लोगों का कैसा बनाना है, कितना कमर लगेगा इनको, कितना लंबाई चौड़ाई लगेगा। अगर ये सब सारी चीज़ें आप जानना चाहते हैं तो बताइएगा प्लीज़। देखिए तो यहाँ पर मैं कमर की बेल्ट बनाने के लिए निकाल रही हूँ। देखिए इतना रहेगा मेरे हिसाब से, तीन है, लेकिन हम इसको डबल क्यों कर रहे हैं, तो ये तो एक बार का हो गया। एक बार इसको ऐसे और लेना है हमको, क्योंकि कमर अम्मा की चौड़ी है, तो जिन लोगों की चौड़ी रहती है तो सामने से हमें पट्टी जोड़ना पड़ता है इसके लिए। तो सबसे पहले हम कमर का बेल्ट निकाल लेते हैं। तो देखिए हमने अपने मतलब कमर का बेल्ट जो है निकाल लिया है। अब इसके बाद यहाँ से इस चीज़ को हम अलग कर देंगे। ठीक, यहाँ से हम इसे अलग कर लेते हैं। इसको हमने अलग कर दिया है। तो अब ये हो गया बेल्ट जो है कमर का, जो बेल्ट लगेगा कमर में। तो इस हिसाब से अगर आप गलती से इधर उधर कट कर दे तो नहीं सही रहेगा। ऐसे आपको यहाँ पर या दोनों तरफ से जोड़ लेना है, मतलब इतना पट्टी दोनों तरफ से, जिसका जैसा कमर हो। तो इस हिसाब से हम इसको यहाँ पर काट लेते हैं। ये हो गया, इतना ही लगता है हमारी अम्मा में कमर। यहाँ का बेल्ट हमने निकाल दिया है। अब इसके बाद हम निकाल लेते हैं इसका डोरी और नीचे का पट्टी लगाने का। बस इतना ही, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, डेढ़ होना चाहिए मान लीजिए, हम तो टेप वगैरह नहीं लेते हैं जी। बस ये सिंपल और बहुत ही आसान तरीका है हमारा ये वाला पेटीकोट बनाने का। ये देखिए इसको निकाल लिए हैं, एक हो गया डोरी के लिए और दूसरा हो गया नीचे की पट्टी जोड़ने के लिए। बस अब इसको कुछ हमें करना नहीं है। देखिए आप, एकदम सादा होगा, पूरा कपड़ा इतना बच गया है। इसके बाद अब हम चलते हैं अपनी मशीन के पास और हमको सिलाई कैसे करना है, कैसे इस पेटीकोट को बढ़िया से कंप्लीट एकदम तैयार करेंगे, सारा सब कुछ आप सबको दिखाएंगे। तो फिर चलते हैं सिलाई करने के लिए। ठीक है, हाय एवरीवन, मैं आ गई हूँ अपनी मशीन, सिलाई मशीन के पास। तो हमारी मशीन जो है बहुत ही पुरानी है, हमारी देवरानी के शादी में मिली थी, यानी गौना जब होता है तो। लेकिन यह है कि हाथ वाली है और काफ़ी अच्छी भी है, पुराने सामान तो बहुत ही अच्छे होते हैं। तो मैं जो कि प्रॉब्लम होती है तो उसे बनवा लेते हैं जो है, और सही से चलता है। तो इस पर देखिए, हमने बेल्ट जो था जितना मैंने काटा था तो उसको जोड़ लिया हुआ है।
और जोड़ने के बाद थोड़ा सा बढ़ जाता है। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो दोनों तरफ से जोड़ लीजिए, नहीं तो एक ही तरफ से जोड़ना है आपको, ठीक है। तो बस यहाँ पर मैंने बेल्ट को उसमें जोड़ लिया है। इसके बाद मैं छोटे छोटे प्लेट, यानी ना तो बहुत ज़्यादा दूरी रहे, क्योंकि कपड़ा 2.5 मीटर है और बेल्ट लगभग 1/2 मीटर का है, तो कमर के हिसाब से है, उस हिसाब से आपको जो है प्लेट बनाते जाना है। यहाँ पर बच्चे चले गए थे तो मैं अपने हाथ से मोबाइल का इस्तेमाल कर रही हूँ, कैमरे को स्टैंड पर लगाया हुआ है मोबाइल को। ये देखिए छोटे छोटे प्लेट लगा रहे हैं मैं यहाँ पर, और इसके बाद पूरा प्लेट लगा लूँगी मैं इसी तरीके से, कुछ ऐसे ही। देखिए हमारी अम्मा ऐसे ही पहनती हैं, नहीं तो मतलब वो जो है क्या बोलते हैं उसको यार भूल जाते हैं, कलीदार साया नहीं पहन पाती हैं, थोड़ा उनका हाइट मतलब वजन, हाइट नहीं वजन बहुत ज़्यादा है शरीर का, कमर चौड़ी है उनकी। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारी कलियों को अच्छे से सी लिया है बेल्ट में। अब हम इसको अंदर की तरफ मतलब दोहरा मोड़ेंगे तो जो उसकी सिलन है वो अंदर चली जाएगी और अच्छा खासा बेल्ट कमर का बन के तैयार हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम इसको मोड़ करके बनाएंगे। अब आपको देखने में ये सीधा लग रहा होगा लेकिन लास्ट टाइम में वो सीधा हो जाएगा जिस तरफ हम सिलाई करने जा रहे हैं। तो इस पर हम सिलाई करके 2 सिलाई हमें मार देना है ताकि कमर बेल्ट पर 3 सिलाई वैसे भी पड़ती है जिससे मजबूत रहे। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने एक तरफ का सिलाई किया हुआ था, दूसरी तरफ भी सिलाई कर रहे हैं, डबल सिलाई होती है। पहले हमें नीचे की सिलाई कर लेना है फिर ऊपर से मारना है जो है। और धागा देखिए पेटीकोट वगैरह में मतलब चाहे ब्लाउज हो कलर का ही होना चाहिए, मैच रहता तो ज़्यादा अच्छा रहता है, नहीं तो फिर नहीं ठीक रहता है इसकी वजह से। तो अम्मा को जाना है मामा के यहाँ, काफ़ी दिन से बोल रही हैं जो भी हमारा काम है निपटा दो, जो है साया ब्लाउज सब बना के रख दो, एक दो जो बाकी है बाकी सब बना हुआ है। ये तो मैं लेके आई हुई थी साड़ी पर, तो अम्मा ने जो है साड़ी को चेंज करवा दिया है, बोली मुझे साड़ी नहीं पर पेटीकोट रख दो। तो साड़ी उन्होंने रखी हुई जो मेरे पास थी घर पर, वो भी अच्छी है, दीपावली को पहनाएंगे उनको। तो जो है आप लोग हो सकता है ये ब्लॉग थोड़ा लेट जाए और दीपावली है सामने त्यौहार है तो आप लोग को ब्लॉग पहले देखने को मिल जाए, इसका बाद में देखने को मिले, लेकिन मैं बना रही हूँ पेटीकोट। ये देखिए यहाँ पर बन के हो गया है एकदम तैयार। तो जो मैंने मतलब पट्टी निकाली हुई थी दोनों तरफ से दो, तो एक पट्टी हो गई डोरी बनाने के लिए, दूसरी पट्टी हो गई नीचे का पट्टी बनाने के लिए, जिसको कि आप कली भी लगा के या डिजाइन कोई भी बना सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ अभी इस टाइम सादा ही पेटीकोट का रिवाज हो गया है, कलीदार रहता है। पहले नीचे की कलियों में काफ़ी सारे डिजाइन होते थे। तो ये देखिए हमने इसको कंप्लीट एकदम तैयार कर लिया है। अब हम इसे जो है मोड़ देते हैं इस तरीके से और दोहरी सिलन मार देंगे। तो ये समझिए कि लगभग 10 मिनट में हमारा पेटीकोट एकदम से काट पीट के सब कुछ कंप्लीट हो गया, यानी मैंने एक भी मिनट थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड 10-10.5 मिनट कंप्लीट हुआ था, थोड़ा सा फास्ट किया हुआ है ताकि तैयार करके आप लोगों को दिखा सकूँ। तो बस हमारा पेटीकोट यहाँ पर बन के रेडी हो गया है, ये मैं बना रही हूँ डोरी, बस हमारा काम ओके हो गया। उम्मीद करते हैं कि पेटीकोट सिंपल बनाने का तरीका आपको अच्छा ज़रूर लगेगा। हाय एवरीवन, देखिए फाइनली अम्मा का हमारे पेटीकोट सिंपल सादा और बहुत ही मजबूत बन के तैयार हो गया है। ऐसा बनाएंगे ना तो ज़्यादा जो हेल्थ वाले रहते हैं उनका फटता नहीं है, कली वाला रहता तो फट जाता है। ये देखिए पूरा कंप्लीट अच्छा घेरा सब कुछ बढ़िया है, और यहाँ नीचे का भाग है ये देखिए। 3-4 सिलाई मार देना चाहिए जिससे चीज़ मजबूत रहे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती है। और यहाँ पर ये रही डोरी जो कि बांधने के लिए बना के तैयार कर दिया हुआ है पेटीकोट। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर जरूर कर देना। जो भी भाई बहन चैनल पर न्यू आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हम और आप हमेशा मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम आप लोगों से, तब तक के लिए बाय।